चुनाव कैंडिडेट कौन होगा, चुनाव चीफ मिनिस्टर को देख के चुनाव लड़ा जाएगा, ये श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। उनका यही मकसद है किसी न किसी तरह से बैकवर्ड जाति के वोट बैंक को साधने का। जाट नेता के रूप में पहचान है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, जाट वोट को उधर से गेन कर लिया जाए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पे जाट वोटर कांग्रेस को वोट देंगे। और उधर दूसरी ओर कुमारी सैलजा का जो सिरसा से सांसद भी है, उनका भी दावा है। प्रकाश देखने में तमाम भाई बहनों को डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा का नमस्कार। प्यारे भाई बहनों, जैसे आपको पता है कि हरियाणा का राजनीतिक पारा बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, हरियाणा में चुनावी बिगुल बज चुका है और सभी पार्टियां यानी तकरीबन सारी पार्टियां एक तरह से हम कह सकते हैं कि युद्ध के मैदान में आ चुकी हैं। और हमारे बीच में श्री सतीश मेहरा जी मौजूद हैं जो पूर्व प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं और इनको इनसे हम बातचीत करेंगे। राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं और इन्होंने अपना जीवन का बहुत बड़ा पार्ट हरियाणा को दे दिया है, तो हम इनसे बातचीत करेंगे हरियाणा के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनके ऊपर। श्री जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। और आपसे हम बात करना चाहते हैं कि जो हरियाणा में जो राजनीति होती है वो जाति के ऊपर काफी हद तक होता है चुनाव, इसके बारे में क्या देखोगे? जैसे आपने देखा होगा कि कांग्रेस का भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी चेहरा सीएम को बनाकर ओबीसी कार्ड खेला, तो उसके जवाब में और जो परंपरागत वोट है कांग्रेस की वो एससी वोट है उसको देखते हुए जो क्षेत्रीय दल है, क्योंकि इस चुनाव के अंदर क्षेत्रीय दलों की भी भूमिका बहुत बड़ी होगी क्योंकि क्षेत्रीय दलों के साथ भी एक वोट बैंक होता है, तो उन्होंने गठबंधन किया, INLD गठबंधन बसपा के साथ हो गया और जो JJP का गठबंधन है वो बातचीत चल रही है कि शायद उनका गठबंधन जो आजाद है MP हैं चंद्रशेखर जी उनकी पार्टी के साथ हो जाए। तो आपको ये लगता नहीं कि ये जो गठबंधन हो रहा है कि ये एक कांग्रेस का जो परंपरागत वोट है उसमें डेंट पाने के लिए हो रहा है, ये कहां तक सार्थक होगा, इसके बारे में बताइए। ये आपने अच्छी शुरुआत आपने की है कि एक राजनीतिक सरगर्मियां हरियाणा में तेज हो गई हैं क्योंकि चुनाव का बिगुल बज चुका है और 1 अक्टूबर को चुनाव होने वाले हैं, तो सभी पार्टियां अपने अपने समीकरण बैठाने के लिए लगी हुई हैं। जैसे आपको पता है कि हरियाणा में जाति आधारित राजनीति का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, चुनाव के दौरान सभी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जाति आधारित जो जात पात का वोट है उसको अपने और पक्ष करने अपने पक्ष में करने के लिए सभी तरह के जो हथकंडे हैं वो अपनाती हैं, चाहे किसी दूसरी पार्टी से छोड़कर गठबंधन करने की बात हो और चाहे दूसरी तरह के जो उनसे जो कम्युनिकेशन उन जाति कम्युनिकेशन हो पाता है उनसे कम्युनिकेशन करने की साधने की बात हो। तो जैसे लोकसभा का चुनाव आपने देखा, लोकसभा का चुनाव मुझे लगता है कि पूरी तरह बाइपोलर चुनाव था, दो पक्षीय चुनाव था, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में चुनाव था, बीच में और भी पार्टियां थी, बहुजन समाज पार्टी थी, जो जसपा थी, INLD थी, उन पार्टियों का भी उसमें योगदान था, लेकिन उनका वोट बैंक इतना नहीं वोट इतना। लेकिन वो लोकसभा का चुनाव था, लेकिन आपको लगता नहीं कि जो लोकसभा में हुआ है जो क्षेत्रीय दल है क्योंकि वो क्षेत्र की समस्याओं से बहुत भरी भांति परिचित होते हैं, तो उनका जो ये विधानसभा में पिछले से टाइम से इस बार थोड़ा ग्राफ वोटिंग ग्राफ आगे बढ़ेगा? हाँ, ये वाजिब क्वेश्चन आपका डॉक्टर साहब, आपने ठीक कहा। जो लोकसभा का चुनाव होता है उसमें जो नेशनल मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, हाँ जी, हाँ जी, उनके बारे में लोग सोचते हैं, उनके बारे में लोग सोचकर अपनी अपनी पार्टियों को मतदान के लिए चुनते हैं, अपने अपने कैंडिडेट को अपने जिसको वो लाइक करते हैं उसको चुनते हैं और वो नेशनल मुद्दों की बात काफी की जाती है उसमें। लेकिन जो विधानसभा का चुनाव है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव ऐसा होता है, विधानसभा के चुनाव में जो पार्टी जिस पार्टी का बहुमत होगा वो चीफ मिनिस्टर चुनेगी और चीफ मिनिस्टर ही उस स्टेट का सर्वे सर्वा होता है, तो यहाँ चीफ मिनिस्टर को देख के चुनाव कैंडिडेट कौन होगा, मतलब चुनाव चीफ मिनिस्टर को देख के चुनाव लड़ा जाएगा। अच्छा, अब आप चीफ मिनिस्टर की बात कही है, बिल्कुल ठीक है, आपकी बात से पूरी तरह एग्री है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट घोषित कर दिया,
कांग्रेस ने अभी तक नहीं किया, तो अभी अभी आपने कहा कि ये चुनाव चीफ मिनिस्टर की जो घोषित होती शक्ल को देखकर भी होता है आपने कहा, तो आपको लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले में कांग्रेस से एक कदम आगे निकल गई है? ठीक कहा आपने, भारतीय जनता पार्टी ने जो वर्तमान चीफ मिनिस्टर उनको उनको एक नाम दे कैंडिडेट के रूप में, चीफ मिनिस्टर के रूप में घोषित कर दिया है कि श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। उनका यही मकसद है किसी न किसी तरह से बैकवर्ड जाति के वोट बैंक को साधने का ही उनका ये मकसद रहा है कि नायब सिंह सैनी को आप चीफ मिनिस्टर उनकी नेतृत्व में चुनाव करवाने की घोषणा करके ओबीसी वोट बैंक है जो बैकवर्ड क्लास का वोट बैंक है उसको साधने की उस भारतीय जनता पार्टी। तो आपको ये नहीं लगता जैसे आपने कहा कि नायब सिंह सैनी जी को उन्होंने ओबीसी का चेहरा बनाकर मुख्यमंत्री घोषित कर दिया, इससे उनका जो ओबीसी वोट बैंक है हरियाणा का जो न्यूट्रल भी होता है उनके पक्ष में जाएगा, तो आपको लगता नहीं अगर कांग्रेस ने ये घोषित नहीं किया तो उसका थोड़ा सा डेंट पड़ सकता है उनकी परफॉर्मेंस पर? देखो, जो नायब सिंह सैनी को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किया है उसका नो डाउट भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा। दूसरी ओर कांग्रेस ने किसी भी लीडर का नाम सीएम कैंडिडेट के लिए प्रोजेक्ट नहीं किया है। कांग्रेस की एक अलग रणनीति रही है और रणनीति इस बार और वो आगे निकल गए इस रणनीति में, क्योंकि उधर से एक तरफ से भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, लेकिन वो क्योंकि दावेदार हैं लेकिन हाईकमान ने उनको आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं किया कि ये बनने के बाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे, क्वेश्चन मार्क है अभी। हाँ जी, कांग्रेस क्वेश्चन मार्क नहीं है, इधर तो उन्होंने कह दिया कि ये बनेंगे। अगर हम कांग्रेस की स्ट्रेटजी के तहत काम कर रहे हैं कि उधर जाट नेता के रूप में पहचान है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, जाट वोट को उधर से गेन कर लिया जाए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पे जाट वोटर कांग्रेस को वोट देंगे, और उधर दूसरी ओर कुमारी सैलजा का जो सिरसा से सांसद भी है उनका भी दावा है कि वो चीफ मिनिस्टर की कैंडिडेट बनेंगी, और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ने की इंटरेस्टेड हूं। इसको देखते हुए कांग्रेस ने दोनों को ये हवा दी है ताकि जो शेड्यूल कास्ट वोट है, जो परंपरागत वोट कांग्रेस का रहा है, वो कांग्रेस की तरफ सैलजा को देख के आए, लीडरशिप में आए, उधर जो जाट वोट है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कारण कांग्रेस से कनेक्ट करे, कांग्रेस में आए। तो इसमें भी ब्राह्मण वोट, पंजाबी वोट, ये भी कास्ट है तो है ना हरियाणा में, तो उनकी तरफ से भी किसी को कैंडिडेट खड़ा करना चाहिए था कि अगर इनके बनता तो इधर से पंजाबी वोट आया तो एक उधर से हम खड़ा देते हैं। आप ये देखिए ना, ये भी सही कहा आपने। जैसे वोट सभी कास्टें पाएंगी ना, छत्तीस बरादरी के साथ ही सरकार बनेगी ना जी, तो अब इसका मतलब कांग्रेस ये कह रही है कि जाटों में हमने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को खड़ा दिया, दलित वोट के लिए शहजा को खड़ा दिया। तो आप ये बताइए कि शहजा ये कह रही है कि मैंने एमएलए का इलेक्शन लड़ना है, नो डाउट कि मुकाबला तकड़ा होगा, तकड़ा मुकाबला होगा, उस स्थिति में क्या फिर एक सीट खाली नहीं होगी सिरसा की? एक सीट जो दिल्ली चले गए हैं राष्ट्रीय नेता हैं, तो उसको फिर कांग्रेस फिर यहां पर बैठाएंगे, एमएलए टिकट देंगे? एक सीट जब विधानसभा में किसी भी पार्टी की का बहुमत आता है तो बहुमत आने के बाद चीफ मिनिस्टर उसी का बनता है, तो चीफ मिनिस्टर अगर किसी पार्टी का बन जाता है तो जो चुनाव होता है उस चुनाव में उसी पार्टी को फायदा होता है। तो आप ये मान के चलिए जिस भी पार्टी का चीफ मिनिस्टर होगा और लोकसभा का चुनाव वही पार्टी, फिर तो ऐसे भी हो सकता है कि शैलजा जी एमएलए का इलेक्शन ना लड़े, एमपी तो होंगे, उनको मुख्यमंत्री बना दें, एक सीट खाली करा दें, वहां से भी इलेक्शन आ जाए। ये बहुत से उदाहरण रहे हैं पहले, ऐसे हुआ है हरियाणा के अंदर, हुआ है वाया दिल्ली चंडीगढ़ का आना, मैक्सिमम ऐसे ही होता है वाया दिल्ली चंडीगढ़ आना, ये कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी, ये आ सकते हैं बाद में चुनाव, ये भी क्या नाम है पीछे जो नायब सिंह सैनी को चीफ उस कंडीशन के अंदर हुड्डा साहब कैसे एक्सेप्ट करेंगे ये बताइए, जो एक तरफ आप कह रहे हो उनको प्रपोज किया, वो अपने आप प्रपोज कर रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री का कैंडिडेट हूंगा, ठीक है ना जी, अगर ऐसी स्थिति वहां पर आती है उस किस चीज के अंदर लगता नहीं कांग्रेस के अंदर बहुत बड़ा एक भूचाल आ सकता है उस समय? ये डॉक्टर साहब कैसे एक्सेप्ट करेंगे? ये डॉक्टर साहब आप हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है आपका, इसमें तो बाद में कांग्रेस पार्टी की जो हाईकमान है, जो विधायक है,
वो बैठ के देखेंगे और वो जो सारी विचार विमर्श करने के बाद किस को सीएम का कैंडिडेट बनाना है, वो तो कांग्रेस हाई पार्टी नहीं, कांग्रेस हुड्डा जी पे विश्वास क्यों नहीं कर रही? नहीं नहीं, विश्वास ना करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, फिर घोषित क्यों नहीं कर रही? घोषित ये अपनी दो ही बातें नहीं, हाँ दो ही बातें, एक एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर कांग्रेस पार्टी हुड्डा जी पर विश्वास कर रही है तो उनको घोषित कर दे मुख्यमंत्री कैंडिडेट। नहीं, ये तो उनकी रणनीति रही है, उनकी चुनाव लड़ने की रणनीति है, कहां से ज्यादा ज्यादा वोट गेन कर पाएंगे वो जो कांग्रेस का जो परंपरागत वोट है, जो कांग्रेस का हुड्डा के साथ जो जुड़ा हुआ वोट है, भूपेंद्र हुड्डा जी के साथ, वो ज्यादा से ज्यादा वोट कांग्रेस को कैसे दिलवा पाएंगे, वो तो ये तो कांग्रेस पार्टी की रणनीति है। उस रणनीति के तहत किसी को भी जो सीएम का कैंडिडेट है उसको घोषित नहीं कर रही। चलो, आपने बहुत अच्छी बात की, तो बात हमने सरस्वती स्वरूप बातचीत शुरू हो गई। अब मुझे ये चीज बताना आप मुझे कि जो गठबंधन हो रहे हैं INLD की, जब ये बात की हमने, बसपा के साथ हुआ, वो जजपा का चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी के साथ होगा, लेकिन ये गठबंधन एक दलित वोट बैंक पर अटैक होगा, उसके लिए कांग्रेस के पास शैलजा राष्ट्रीय लेवल की नेता है, तो आपको लगता नहीं कि उस कंडीशन के अंदर कि दलित वोट यहां पर ट्रांसफर ना हो, उसमें शैलजा की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है? ये बात भी आपकी वाजिब है, जैसे मैंने आपको पहले बताया तो लोकसभा चुनाव था जो बाईपोलर, उनके लिए भी चैलेंज होगा, शैलजा के लिए भी, हाँ बाईपोलर चुनाव था, और कांग्रेस पार्टी का यही प्रयास रहेगा कि ये चुनाव भी बाईपोलर चुनाव, ताकि उनका वोट बैंक कहीं डाइवर्ट ना हो। तो जहां तक डाइवर्ट होने की बात है, INLD ने पहले ही बहुजन समाज पार्टी से समझौता किया है, बहुजन समाज पार्टी से समझौता करने के बाद उनका तो मकसद ये है कि उनको बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है, वोट बैंक है, जो अनुसूचित जाति का वोट बैंक है, वो उनको मिले। पर ऐसा होगा ना होगा ये भविष्य के गर्भ में, लेकिन रणनीति तो बनानी पड़ेगी, रणनीति बनानी पड़ेगी कांग्रेस हाईकमान को, बीजेपी को रणनीति बनानी पड़ेगी ये वोट बैंक ट्रांसफर ना हो, ट्रांसफर ना, ये तो बनानी पड़ेगी ना। उस हिसाब से टिकट भी डिस्ट्रीब्यूशन, टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और जैसे आपने बताया आजाद समाज पार्टी से जो चंद्रशेखर की पार्टी है, जसपा कोशिश कर रही है कि चंद्रशेखर आजाद से उनका गठबंधन हो जाए, नो डाउट अगर उनका गठबंधन बसपा से उनका INLD का गठबंधन हुआ है और आजाद समाज पार्टी से अगर उनका जसपा का गठबंधन होता है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसमें नुकसान हो सकता है। इसको देखते हुए कांग्रेस ने क्या रणनीति बनानी है वो तो कांग्रेस पार्टी जाने, कांग्रेस पार्टी का हाईकमान जाने। तो आपको लगता नहीं अगर इस तरीके का होता है, हरकत होती है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते हरियाणा में आई थिंक 18 सीटें रिजर्व है कि 17 सीटें रिजर्व, लेकिन दलित वोट बैंक हर सीट पर इंपैक्ट करता है, लेकिन 17 तो वो है ना जहां पर ये टोटली ही इंपैक्ट करेगा, और उसके अलावा हर विधानसभा में 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 वोटें तो इनकी होंगी। तो आपको लगता नहीं अगर ये गठबंधन इस तरीके का हो रहा है भविष्य के अंदर शैलजा जी के ऊपर और जिम्मेदारी पड़ेगी, अगर वो ये वोट बैंक ट्रांसफर करने, अगर ट्रांसफर नहीं होता कांग्रेस में रहता है, तो आपको लगता नहीं भविष्य के अंदर फिर शैलजा का कद और आगे बढ़ सकता है? नहीं, आपने जैसे कहा है कि रिजर्व सीटों पे ज्यादा, फिर वो भी कहेंगे ना कैंडिडेट ज्यादा हो, बात सिर्फ केवल कैंडिडेट भी मांगेंगे, बात केवल रिजर्व सीटों की नहीं है, बात केवल रिजर्व सीटों की नहीं है, क्योंकि शेड्यूल कास्ट वोट तो 90 की 90 सीटों सारी जगह पर है, मैंने आपको कहा है। ये हो सकता है ये इन जो 17-18 जो सीटें हैं उनपे उसमें तो कहेंगे ना, शैलजा जी कहेंगे मेरे कैंडिडेट को 2 सीटें, उसमें तो वो मांगेंगे, उनपे अधिकार बनता है ना। इसमें कांग्रेस पार्टी को सीट का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। आपको ये भी देखना है कि कांग्रेस पार्टी की ये रणनीति, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रणनीति पे काम कर रही है कि जाट कैंडिडेट को कम से कम जो सीट है उनको कम से कम सीट दी जाए, दूसरी जातियों को साधने के लिए, कहीं कांग्रेस पार्टी कहीं बैकवर्ड क्लास को टिकट देगी, कहीं जो शर्मा है पंडित कास्ट को टिकट देगी, और नो डाउट इसमें जो रिजर्व की सीटें उनमें तो शेड्यूल कास्ट की। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात की है, ये बहुत अच्छी बात मैंने पकड़ ली, आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी ये कर सकती जाट को कम दे, दूसरी कास्टों को ज्यादा दे, आपने कहा ना अभी, बिल्कुल कहा ना, बिल्कुल कि वोटिंग सेंटर है। अब मुझे एक चीज बताइए, अगर दूसरी कास्टों की आगे MLA ज्यादा
वो क्यों कहेंगे क्या, वो कहेंगे अगर हमारी जा रहा है तो हम जाट को मुख्यमंत्री कैसे एक्सेप्ट करें, वहां पर पंगा पड़ेगा जी, वो मुख्यमंत्री पंगा पड़ेगा जी, मुख्यमंत्री बनाने की जो बात है वो, क्योंकि लड़ाई मुख्यमंत्री की भी है पीछे से लड़ाई, देखो हमें जंग लड़ रहे हैं वो सारी सेना है, लेकिन पीछे जो लड़ाई है वो मुख्यमंत्री की हुई है, तो वहां पर तो फिर हाईकमान देखना पड़ेगा ना जी, जो काम ज्यादा करेगा जंग में नेचुरली है कि आप खुद कह रहे हो कि अदर कास्ट को ज्यादा देंगे, इसका मतलब कि जाटों को वोट वो कम देंगे सीटें, तो दूसरी कास्ट है ज्यादा आगी वो कहेंगे हम क्यों एक्सेप्ट करें जी, तो हमारी कास्ट का बनना चाहिए, ऐसा भी तो हो सकता है ना जी फ्यूचर में। विधानसभा चुनाव होने के बाद जब विधायक जो मंडल की जो बैठक होती है उसमें ऐसा नहीं होता है कि एक कास्ट के विधायक एक को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आगे आ जाएं, दूसरी दावेदारी कर सकते हैं ना वो, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, वो तो सिर्फ पार्टी हाईकमान ने और विधायक दल ने, पूरा विधायक दल ने देखना है, वो बातचीत करेंगे, पार्टी हाईकमान के जो निर्देश होते हैं उनके निर्देशों की अनुपालना होती है, तब तो तब जाति पाति आधारित राजनीति मुझे नहीं लगता कोई चीफ मिनिस्टर के उसमें जो डिसीजन करने में कुछ रोल लगती होगी। यानी आपके कहने का मतलब है कि जंग में साम दाम दंड भेद किसी तरह से इकट्ठा करके 46 एमएलए इकट्ठे करके सबसे पहले बहुमत लेकर आओ, ये बात भी बातें हैं, ये बात जो क्या बनता है ये बात, जो आज हमने सतीश मेहरा जी से बात की और इसी तरह से हमारा बातचीत का दौर चलता रहेगा, और प्यारे भाइयों बहनों दर्शकों इसी तरह से हम आज जिस तरह से हरियाणा का चुनावी बिगुल बज चुका है, डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा फिर से आपकी सेवा में हाजिर है पिछले लोकसभा इलेक्शन की तरह, और हम इसी तरह से आज से हम अपने हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर जनता की, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हर नेता ये कहता है इलेक्शन की मैं जीतूंगा, कोई भी नेता ये हारने के लिए नहीं करता, लेकिन फैसला उसका जनता जनार्दन तक करती है, जिस तरह से पिछले इलेक्शन में हम जनता के बीच में गए थे इस बार फिर हम जनता के बीच में जाकर जनता क्या सोचती है, जनता का क्या फैसला होगा क्या सोचती है हम अपने दर्शकों को बताते रहेंगे। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद डॉक्टर साहब।